आप सबको नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए दिवाली बहुत मंगल हो। आज दिवाली के मौके पे मैं दिल्ली के व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। हम अपने दिल्ली के कारोबारियों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का काम बढ़ाने के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं। हम एक दिल्ली बाज़ार के नाम से पोर्टल तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के हर उद्योगपति को, दिल्ली के हर दुकान को, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल्ली के हर सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोफेशनल को उसमें स्थान मिलेगा। वो अपनी क्या सर्विसेज हैं, अगर कोई दुकान वाला है तो उसकी दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को वो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर। इसके ज़रिए आप अपनी सर्विसेज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल पे वर्चुअल बाजार तैयार किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में एक खान मार्केट है, इस पोर्टल पे भी एक खान मार्केट होगा जो कि खान मार्केट का हूबहू होगा। आप इस पोर्टल पे जाके एक्चुअली खान मार्केट के अंदर घूम के आ सकते हैं पोर्टल के ऊपर। लाजपत राय मार्केट है, इसमें भी लाजपत राय मार्केट, लाजपत नगर मार्केट है, इसमें भी लाजपत नगर मार्केट होगी। जितनी भी सरोजनी नगर मार्केट है, हौज खास मार्केट है, सारी मार्केट्स, छोटी कॉलोनियों के अंदर जो डीडीए मार्केट, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वो भी इसके अंदर होंगी। सारी मार्केट्स, दिल्ली के हर मार्केट होगी। आप एक्चुअली उस मार्केट के अंदर जाके, इस पोर्टल के अंदर जाके, मार्केट के अंदर घूम के, अगर किसी दुकान में शॉपिंग करनी है, उस दुकान के अंदर जाके उस दुकान में शॉपिंग करके आ सकते हैं, सामान खरीद के आ सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो इस पोर्टल के बहुत फायदे हैं। अभी मुझे तो जो दो चार फायदे, जब ये बन जाएगा पोर्टल, एक तो ये कि दिल्ली के हर व्यापारी का, उद्योगपति का सामान, दिल्ली के हर प्रोफेशनल का, कारोबारी की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्लोबल स्केल पे पूरी दुनिया उसको देख सकेगी। अगर कोई खरीदना चाहता है तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी, मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी बैठा है, उसे हौज खास मार्केट से कोई सामान खरीदना, वो एक्चुअली हौज खास मार्केट के अंदर जाके, उस दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। तो एक तो लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठे हुए दिल्ली के लोगों का एक कस्टमर सामान खरीद सकता है, कहीं भी कोई भी बैठ के किसी मार्केट के अंदर जा सकता है या किसी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है। वो दिल्ली बाज़ार में आ सकता है और कह प्रोडक्ट टाइप कर सकता है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट जो जो मार्केट में, जो जो दुकानें वो प्रोडक्ट बेचती हैं, वो सारी आ जाएंगी। वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है। अगर उसकी पसंदीदा, मान लीजिए दिल्ली से कोई अमरीका चला गया, कोई लंडन चला गया, उसकी कोई पसंदीदा दुकान है, वो एक्चुअली उस दुकान पर जाके, उस वो दुकान के अंदर पे भी जा सकता है, दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है। और एक और चीज़ जो बड़ी चीज़ होने वाली है कि दुनिया भर के लोग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत होंगे। मान लीजिए कोई एंटीक शॉप है, मान लीजिए हौज खास मार्केट में कोई एंटीक शॉप है, उस एंटीक का कोई पीस लंदन में बैठे किसी अंग्रेज़ को पसंद आ गया और वो ख़रीदना चाहता है, और वो इनको ऑर्डर करता है कि मेरे को 200 पीस भिजवा दो, मेरे को 1000 पीस भिजवा दो। सो हमारे दिल्ली के लोगों का सामान पूरी दुनिया के अंदर बिक सकेगा, लोकली भी। हमारे जैसे, मैं मान लीजिए कहीं रहता हूँ, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ, मेरे आसपास के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कितनी मार्केट आती हैं, उस मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स हैं, उस शॉप्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं लोकली भी अपने आसपास की शॉप्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। लोकली भी मैं देख सकता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द आसपास के एरिया में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, क्या क्या सामान मिलता है, मैं वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो लोकल दुकान वाले जो हैं, उनका भी सामान
खूब बिकना चालू होगा। आप इसमें मार्केट में जाके किसी भी दुकान में घुस के सामान ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट टाइप कीजिए कि मेरे को फलाना प्रोडक्ट लेना है, उस प्रोडक्ट को बेचने वाली जितनी दुकानें हैं दिल्ली की वो सारी दुकानें आ जाएगी, आप उन दुकानों में जाके सामान खरीद सकते हैं। या आप दुकान, कोई पर्टिकुलर दुकान से सामान खरीदना चाहे तो उस दुकान को टाइप करके और उस दुकान में सीधे जा सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए हम किस्म किस्म की वर्चुअल एग्जीबिशंस कर सकते हैं सामानों की। मान लीजिए हमने कभी फर्नीचर की एग्जीबिशन की, मान लीजिए कभी हमने किसी और प्रोडक्ट की एग्जीबिशन की, तो वो एग्जीबिशन करके इस पोर्टल के जरिए हम दुनिया भर में उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, दुनिया भर में दिल्ली के उस एक प्रोडक्ट को जितने भी लोग बनाते हैं उनकी एग्जीबिशन करके और पूरी दुनिया तक उनके सामान को ले जा सकते हैं, जो आज तक कभी नहीं। अभी तक एग्जीबिशन होती है, हम देखते हैं प्रगति मैदान के अंदर कभी कभार दो चार किस्म की एग्जीबिशन लगती है, इसमें तो हम भिन्न भिन्न तरह की एग्जीबिशंस लगा सकते हैं और उसका पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे प्रचार करके और उसको अपने लोगों को काम बढ़ा सकते हैं। आप किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं, उसको कहते हैं मुझे ये सामान दिखाइए, वो आपको एक मॉडल दिखाता है, सेल्समैन दूसरा मॉडल दिखाता है, तीसरा दिखाता है, उसके बाद उसी में से थोड़ी देर में वो भी थक जाता है, आप भी थक जाते हैं। और अब तो आप किसी भी दुकान में घर बैठे अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने फ़ोन के ऊपर, किसी भी दुकान के अंदर जाके उसकी सारी दुकान खंगाल सकते हैं, उसके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, कितनी किस किस्म की वो अवेलेबल है, सब कुछ देख सकते हैं उस दुकान के अंदर घर बैठे बैठे आप। सो जितने स्टार्टअप्स हैं, नया कोई काम शुरू करता है, वो इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेच सकता है, स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पोर्टल दुनिया में पहली बार इस किस्म का पोर्टल बनाया जा रहा है कि दिल्ली की जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दिल्ली की जितनी सर्विसेज हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, सब एक पोर्टल पे होंगे और वो पूरी दुनिया के सामने होंगे। दिल्ली वाले भी खरीद सकते हैं, मोहल्ले वाले भी खरीद सकते हैं, देश के लोग भी खरीद सकते हैं, दुनिया के लोग भी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है इससे दिल्ली की GDP बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, दिल्ली की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, रोज़गार खूब तेज़ी से बढ़ेंगे, टैक्स का रेवेन्यू खूब बढ़ेगा और दिल्ली की तरक्की बहुत तेज़ी से होगी। हमें उम्मीद है कि ये पोर्टल बनना चालू हो गया, कल मैंने इसकी मीटिंग ली थी, हमें उम्मीद है, बहुत बड़ी चीज़ है, पहली बार बनाई जा रही है, समय लगेगा, अगले साल अगस्त तक का टारगेट रखा है कि अगले साल अगस्त में ये बनके तैयार हो जाना चाहिए। एक दो बातें और मैं करना चाहता हूँ कि दिल्ली है खुशी, दिवाली का समय है, खुशी का समय है, आप सब लोग बहुत खुश हैं, कोरोना कम हो गया है, आप सब लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, लेकिन आप इस समय कई लोग एहतियात नहीं बरत रहे, मास्क नहीं पहन रहे। मैंने देखा है कई सारी पिक्चर्स आ रही हैं चारों तरफ से, मार्केट्स की भी पिक्चर्स आ रही हैं कि आप लोग एहतियात नहीं बरत रहे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, पिछले साल यही टाइम था, त्योहारों का टाइम था, जब कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ गया क्योंकि हमने लापरवाही की थी, अब लापरवाही मत कीजिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार की सेहत के लिए कह रहा हूँ, कोरोना बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, तो ये एहतियात ज़रूर बरतिए, कोशिश कीजिए कम से कम बाहर निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क ज़रूर पहन लीजिए, मास्क आपको बचाएगा। दूसरी चीज़, डेंगू बहुत फैला हुआ है इस टाइम, और डेंगू को हम अपने स्तर पे अपने घर में रोक सकते हैं, डेंगू साफ पानी में होता है, तो अपने घर में अगर हर हफ्ते, जो मैं कहता हूँ हर हफ्ते, अगर हम 10 मिनट निकाल के अपने घर में सारे जितने भी इस किस्म के बर्तन हैं, गमले हैं, जहाँ जहाँ पानी जमा है उसको उंडेल दें और उसको फ्रेश पानी उसमें भर दें, तो हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। डेंगू इस टाइम बहुत फैला हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपके परिवार में किसी को भी डेंगू हो। और आखिरी बात, कल दिवाली है, शाम को 7 बजे मैं अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली का पूजन करूंगा। हम सब 2 करोड़ लोग 7 बजे, कल शाम को 7 बजे दिवाली का पूजन जो हम करेंगे, वो कई सारे TV चैनलों के ऊपर उसका लाइव टेलीकास्ट होगा।
हम सब 2 करोड़ लोग दिल्ली के अगर एक साथ मिलके पूजन करेंगे तो आप सोचो पूरे वातावरण में कितनी अच्छी वाइब्रेशंस होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, अपना टीवी ऑन कीजिएगा और दिवाली के पूजन जब मैं कर रहा हूँगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी पूजन कीजिएगा और हम सब लोग दिल्ली के मंगल की कामना करेंगे। नमस्कार। ABP News आपको रखे आगे।